बोलिए सर, आज यहाँ पे नई मुंबई में ओपनिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज मतलब पूरे इंडिया में जो जंडी का आधार एक मकसद में हम लोग जो काम कर रहे हैं पूरे इंडिया के 130 करोड़ लोगों को हेल्थ केयर एफोर्डेबल बनाने के लिए, तो उसी में अभी पूरे इंडिया में हम लोग एक्सपेंड करते जा रहे हैं हमारे फ्रेंचाइजी आउटलेट। तो आज हम लोग ने वाशी में नवी मुंबई में हमारा नया रिटेल फ्रेंचाइजी स्टोर चालू किया, जो कि विजय सिंह जी ने यहाँ पर हमारा फ्रेंचाइजी लिया हुआ है जंडी का आधार ब्रांड का। तो ये माध्यम से आज वाशी के लोगों को, नवी मुंबई के लोगों को, यहाँ पर तो हमारे और भी बहुत सारे फ्रेंचाइजी आउटलेट सही और एक यहाँ पर हम लोग ने एड ऑन किया है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर हम लोग फ्रेंचाइजी डाल रहे हैं तो वहाँ के लोगों को, आम जनता को, अप टू 80% लेसर प्राइस तक मेडिसिन पहुँच पा रहे हैं। तो यहाँ से छोटे छोटे जो एंटरप्रेनर्स है वो जेनरिक आधार के माध्यम से हम लोग क्रिएट करते जा रहे हैं, माइक्रो एंटरप्रेनरशिप क्रिएट करते जा रहे हैं। सो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। सेकेंड ये कि 15 अगस्त को कुछ धमाका करने वाले, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। सो 15 अगस्त के दिन हम लोग जो 15 अगस्त के दिन में हम लोग जो जेनरिक आधार के माध्यम से हम लोग पूरे इंडिया में एक फार्मा के इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन ला रहे हैं, जो एक ही दिन में 51 प्रोडक्ट का हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें ऑल द प्रोडक्ट रेंज हर एक इंसान को कम कीमतों पे मिलेगी। तो वो एक रिवोल्यूशन हो जाएगा पूरे फार्मा को। आज तक कोई भी कंपनी एक साथ 51 प्रोडक्ट का लॉन्चिंग नहीं किया, तो वो जेनरिक आधार करके एक इतिहास रच देगा। बॉम्बे और महाराष्ट्र आज पूरे इंडिया में हमारे 1500 से ज़्यादा मेडिकल स्टोर है। मतलब मैं यहाँ पर आज देख पा रहा हूँ बहुत युवक युवकी आए हुए हैं, यूथ जो है आज सामने आ रहा है, उनका खुद का मेडिकल स्टोर चालू कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो जिनको हम लोग ने आज फ्रेंचाइजी दी है, वो भी एक यंग एंटरप्रेनर है, किधर गया, ये भी एक यंग एंटरप्रेनर है, उन्होंने आज फ्रेंचाइजी लिया हुआ है। ऐसे पूरे इंडिया में मतलब जो माइक्रो एंटरप्रेनर्स है वो ग्रो होते जा रहे हैं। और एक मतलब हम लोग का जेनरिक आधार का जो मोटो है कि मेक इन एंटरप्रेनर्स, मतलब वी आर नॉट ओनली क्रिएटिंग जॉब्स बट वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग एंटरप्रेनर्स को। आज यूथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेके आगे बढ़ के, मतलब मैं जहाँ जहाँ पर जा रहा हूँ, यूथ का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है। हम लोग जब कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन बनाना है, तो यूथ ही है जो आगे जाके काम करने वाला है वो चीज़ के लिए। कितना बेनिफिट है जो स्टार्ट किया है, आम को कितना बेनिफिट है? आज अगर आप देखेंगे कोरोना के काल में जब हर एक जन रेमडेसिविर के लिए यहाँ वहाँ पर भाग रहे थे, तो जेनरिक आधार एक में वे कंपनी था जो हम लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। क्योंकि मैं मानता हूँ जेनरिक आधार का जो एक मोटो है वो हर एक इंसान को, मतलब 10,000 का जो बिल आ रहा है वो 2,000 तक लाने का हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। सो वो इम्पैक्ट हो रहा है हर एक के लाइफ में, सो दैट द थिंग्स आर चेंजिंग। कुछ गवर्नमेंट की भी मदद मिल रही है आपको? गवर्नमेंट आज मतलब पूरा मोदी जी का जो साथ है कि जेनरिक मेडिसिन हर एक घर घर तक पहुँचना चाहिए, तो मोदी जी है, रतन टाटा सर जो कि मैं मतलब मेरे मेंटर है, मेरे अर्ली पार्टनर है, तो उनका जो साथ मिला है चला गया, और आज लोगों का साथ मिल रहा है पूरे देश में, तो वो चीज़ से हम लोगों तक पहुँचने काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल से बातचीत वगैरह हो रही है? हॉस्पिटल बहुत सारे हॉस्पिटल, हाँ जी हाँ जी, आज बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने हमारी फ्रेंचाइजी आज ली हुई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जेनरिक आधार का जो बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, यहाँ पर जेनरिक आधार का बोर्ड हर एक, मतलब आज मेडिकल स्टोर वाला वहाँ पर फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, हॉस्पिटल वाले उसका फ्रेंचाइजी, डॉक्टर खुद आगे आके लोगों को सर्व करने के लिए फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। तो अलग अलग माध्यमों से हम लोग लोगों तक पहुँचने का यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आज से 5 साल बाद जेनरिक कहाँ पे होगा? नंबर 1 होगा डेफिनेटली। पहुंचने का टारगेट कितना है? अभी मतलब लोगों का यहाँ पर रिस्पॉन्स ही इतना प्यार ही है, तो दैट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग। तो गाँव गाँव में, शहरों शहरों में जाके हम लोग काम करेंगे, और ये चीज़ हर एक के मतलब इमोशन के साथ में जुड़ने वाली चीज़ है। ऐसी नहीं कि कुछ लग्जरी प्रोडक्ट है, हर एक घर में लगने, मतलब यहाँ पर यूथ आया हुआ, हर एक के घर पर लगने, दादाजी को लगती है, दादी को लगती है, 10,000 के बिल नहीं अफोर्ड होते, तो हर एक को लगने वाली चीज़ है, वही हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं जी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत प्राउड हूँ इनकी वजह से मैंने ये फ्रेंचाइजी ली है, एंड आई विल डेफिनेटली बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ जेनरिक आधार, एंड आई विल डेफिनेटली प्रमोट दिस ब्रांड टू माय बेस्ट लेवल। अभी आपने बोला है तो क्या दूसरा और भी तैयारी चल रही है? डेफिनेटली, जैसे हमारा एक अच्छा, मतलब जैसे रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है, जैसे हमारा रिस्पॉन्स आएगा हम डेफिनेटली आगे इसको प्रमोट करेंगे। ये जो रेंज है जेनरिक आधार, ये रेंज सभी लोगों के लिए बहुत प्रेफरेबल है, हाँ, कॉस्टिंग वाइज, इसका जो इफेक्टिव वाइज जो बाकी फार्मास्यूटिकल जो कंपनी देती है, सेम उसी तरीके का स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट ये इसका है तरीका। सो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, फ्यूचर है। बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मुझे मालूम नहीं होगा, ये कंपनी बहुत ही बढ़ेगी, और ऐसे जैसे स्ट्रॉन्ग जो है यूथ,
जो ये उम्र में आज ये कर रहे हैं तो आगे तो, और साथ में जो इनके जो इनके मेंटर हैं रतन टाटा जी और बाकी लोग, सो दिस इज़ अ वेरी गुड फ्यूचर, हाँ सबके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू।